Assalamu alaikum guys. Hello, hello and welcome to my YouTube channel. This is me, Nadia Hussain. I hope that you're all doing absolutely wonderfully well. Today's video is extremely exciting for me because this video is about my new palettes jo ke bahut unka charcha hua hai internet pe aur Instagram pe bahut zyada charcha hua hai. कुछ यू नो मज़े की एक कंट्रोवर्सी भी हुई है और आप लोगों का अमेजिंग सपोर्ट एंड अमेजिंग वंडरफुल जो आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत जो मिला है मुझे दैट हैज़ बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की कि आप लोगों ने कितना मेरी तरफ की बात को जो है वो सपोर्ट किया. सो कंट्रोवर्सी के लिए ऑफकोर्स आई एम नॉट गोना गेट इनटू एनी डिटेल्स. आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो क्या कंट्रोवर्सी थी गो मेकअप पैलेट के बारे में. बट टुडे माय वीडियो इज अबाउट माय न्यू पैलेट्स व्हिच आर गो मेकअप पैलेट्स. सो गाइज दीज आर माई गो मेकअप पैलेट्स व्हिच एज यू कैन टेल फ्रॉम द नेम कि ये ऑन द गो मेकअप पैलेट्स हैं. अब हम लोग इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल देती हूँ. ये बेसिकली दो पैलेट्स हैं जो कि फुल फेस मेकअप के पैलेट्स हैं. इसके अंदर दो वेरिएंट्स हैं. ये जो वेरिएंट है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसका बैंड जो है वो यहाँ से बैंड इसका डार्क है तो ये है मीडियम टू वार्म स्किन टोन्स के लिए, ठीक है. और जो ये वाला पैलेट है ये इसका बैंड लाइट है तो दिस इज फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स. अब इसके अंदर मैं आपको जरा खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या अंदर का नामा है और क्या जबरदस्त किस्म की इसके अंदर आपको वैरायटी मिलती है टू द फुल फेस. सो गाइस दिस इज द प्रोडक्ट फ्रॉम साइड. इसके अंदर ये मैं आपको सिर्फ मीडियम वार्म का दिखा रही हूँ. इसके अंदर आपको दो कंसीलर्स मिलते हैं, एक थोड़ा सा हल्का सा डार्कर टोन पे है, एक थोड़ा सा लाइटर टोन पे है. इसके अंदर आपको दो जो हैं वो लिप एंड चीक के आपको कलर्स मिलते हैं. आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरीके से, कौन सा कलर आपको चीक पे लगाना है, कौन सा कलर आपको लिप पे लगाना है. ऑफकोर्स आपको एक साथ में मिरर भी मिलता है. उसके बाद जब आप एक इसकी लोअर वाली साइड पे जाएंगे बिकॉज इसके अंदर टू लेयर्स हैं. पहली जो लेयर है उसके अंदर आपको ये सारा यू नो प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सेकेंड लेयर में जो है वो आपको इस साइड पे क्रीम कंसीलर मिलता है. आपको लिड का जो क्रीस है वो आपको क्रीस का शेड मिलता है. आपको एक लिड का कलर मिलता है और आपको एक फेस का हाइलाइटर मिलता है एंड फेस मॉक पाउडर मिलता है. इसके साथ ओरिजिनल पैकेजिंग में इस वाले पोर्शन में एक ब्रश है लेकिन मैंने जो है वो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस के बहुत सी खवातीन जिनको ब्रश अगर नहीं समझ आ रही, अगर उनको स्पंज चाहिए है तो एक छोटा सा स्पंज जो है वो अपने घर में आपके पास स्पंज तो होगा पतला सा, उसको कट करके जो है वो मैंने डाला हुआ है कि आप जो है वो इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मीडियम जो फेयर टू मीडियम वाला है उसके अंदर भी सेम चीज़ें आपको मिल रही हैं. उसके अंदर आपको दो कंसीलर्स मिल रहे हैं, उसके अंदर आपको लिप एंड चीक के कलर्स मिल रहे हैं और उसके बाद अंडर साइड पे आपको कंसीलर क्रीम कॉन्टोर मिल रहा है, सॉरी क्रीम कॉन्टोर. आपको लिड का कलर मिल रहा है एंड आपको जो क्रीज का कलर है और उसके बाद हाइलाइटर एंड द फेस पाउडर. और ये जो है वो छोटू सा ब्रश है जो कि ओरिजिनल पैकेजिंग का ब्रश है. तो इस वजह से आपको जो है मैंने एक वैरायटी दिखाई है कि अगर आप चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ लेट्स गेट टू द स्वाचेस. स्वाचेस में मैं आपको पहले मीडियम वार्म के स्वाचेस दिखाती हूँ. सबसे पहले जो है वो आपको मैं थोड़ा सा डार्कर वाला जो कंसीलर है उसका स्वाच करके दिखाती हूँ. यहाँ पे ये डार्कर टोन का कंसीलर है जो कि आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं और जो गंदुमी नुमा कम्प्लेक्शन के लोग होते हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त टोन है. मैं भी जो हूँ पर्सनली मीडियम वार्म एट टाइम्स इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज आई नो कि ये जो मेरी पिगमेंटेशन है बड़ी अच्छी तरीके से छुपा देता है, ठीक है. सेकेंड जो कंसीलर है इसका लाइटर टोन का कंसीलर, ये वाला लाइटर टोन का कंसीलर, उसका मैं स्वाच ले रही हूँ और ये है उस वाले कंसीलर का स्वाच. सो दिस इज़ द लाइटर टोन का कंसीलर. और उसके बाद अब मैं चलती हूँ ऑन टू वन ऑफ द कलर्स ऑफ द लिप एंड चीक. इसके अंदर भी कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त पिगमेंटेड प्रोडक्ट है ये, कि मैंने थोड़ा सा लिया है और इसके बाद कितना इसका कलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। फिर मैं ये दूसरा वाला जो कलर है लिप एंड चीक का, ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। एक इसके अंदर थोड़ा सा पिंकी टोन पे है और एक जो है वो थोड़ा सा पीची टोन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये आपके जो टॉप लेयर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके स्वाचेस हैं, और इसका जो यूज है वो मैंने आपको बता दिया है। ये वाला आप फेस पे लगा सकते हैं, अपनी डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए लगा सकते हैं, एज अ कलर करेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो है वो आप थोड़ा सा ब्राइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो है दोनों जो पिंक एंड ऑरेंजी टोन्स हैं इसको आप इस्तेमाल करेंगे एज योर लिप एंड चीक। नाउ लेट्स गो टू द लोअर साइड। ओके गाइस, अब लोअर साइड में जो है वो ये क्रीम कॉन्टोर आ रहा है, तो क्रीम कॉन्टोर में जो है वो भी उसका भी आपको मैं स्वाच करके दिखाती हूँ। ये क्रीम कॉन्टोर का मैंने ये कलर लिया है, आप ये देख सकते हैं, ये बड़ा खूबसूरत सा ब्राउन सा एक शेड है। इसका मैं आपको स्वाच करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये क्रीम कॉन्टोर का शेड है, बड़ा ही प्यारा कलर है ये। उसके बाद फिर ये आपको मैं क्रीस का कलर दिखा रही हूँ, जो कि आप अपनी क्रीस पे लगाएंगे अपनी, यू नो लाइक, अब मैं आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगी इस पूरी चीज का, आपको ट्यूटोरियल दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है वो आप अपने सिर्फ ऑन द गो आप अपना मेकअप कर सकते हैं। सो दिस इज द क्रीस शेड का स्वाच, मीडियम वार्म का क्रीस शेड है ये, मीडियम वार्म का जो है ये आता है, शिमर शेड आ रहा है, ये बड़ा खूबसूरत पिंक शिमर शेड आ रहा है, और उसके बाद फिर मीडियम वार्म में जो है वो आपका हाइलाइटर जो है वो गोल्डन टोन पे आपका हाइलाइटर आ रहा है, ये आपका हाइलाइटर का स्वाच है, ठीक है। और उसके बाद इसका फेस पाउडर जो है वो बड़ा ही प्यारा सा इसका, अगेन यू नो लाइक, इस किस्म का इसका टोन है ऑफ द फेस पाउडर। तो ये है सारी प्रोडक्ट्स, इसमें अगेन वन कंसीलर, दूसरा कंसीलर, लिप एंड चीक, क्रीम कॉन्टोर, क्रीज का कलर, लिड का कलर, हाइलाइटर एंड फेस पाउडर। तो आपकी मर्जी है अब आप इसको किस तरीके से लगाना चाह रहे हैं, आप इसको फुल फेस पे, या फिर अगर आप जो है वो डार्कर वाला कंसीलर अपने डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए, और जो लाइटर टोन वाला है आप अपने फुल फेस पे लगा सकते हैं, जो आपके लिप एंड चीक वाले हैं उसको भी आप अपनी मर्जी से जो भी कलर आपको लिप पे लगाना है, जो भी कलर आपको चीक पे लगाना है। फिर देन ऑफ कोर्स कम्स द मैट ब्राउन, आप मैट ब्राउन अपने फुल लिट पे भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको क्रीज पे लगाएं। आप इस शिमर शेड को, जो पिंक वाला शिमर है, इसको आप एज अ शिमर ब्लश ऑन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइलाइटर जो है वो आप अपने हाइलाइटेड, जहां पे आपको हाइलाइटर की जरूरत है, ब्राउ बोन पे, चीक बोन पे, लिड पे भी लगा सकते हैं, वहां पे लगा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स फेस पाउडर इज फॉर द फुल। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेयर मीडियम। ये फेयर मीडियम का आपको मैं अब दिखाती हूँ, इसके अंदर जो भी शेड्स हैं वो मैं अब आपको स्वाच करके दिखाती हूँ। इसके अंदर जो ये एक डार्कर टोन का है, ये वाला जो टोन है, इसका मैं आपको सबसे पहले आपको मैं स्वाच कर रही हूँ। दिस इज अ वेरी नेचुरल शेड, जो कि फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स के लिए आराम से इस्तेमाल हो सकता है। अगेन थोड़ा सा डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डार्क स्किन है आपकी, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हैं, तो आप जो है वो लिप एंड चीक वाले कलर से, जो कि ऑरेंज या पिंक की शेड्स में है, उसके साथ हल्का सा कलर करेक्ट करके उसके बाद आप ये वाला कलर कंसीलर लगा सकते हैं। सेकेंड कंसीलर इज दिस वन, विच इज द लाइटर कलर्ड कंसीलर। इसका स्वाच ये है, लाइटर कलर्ड कंसीलर। उसके बाद फिर एक आपका लिप एंड चीक आता है, ये आपका एक लिप एंड चीक आता है, जो कि थोड़ा सा यू नो लाइक थोड़ा सा पिंकी टोन में है। और एक जो है वो आपका आखिरी जो कलर आता है टॉप लेयर में, वो दूसरा लिप एंड चीक है, ये थोड़ा सा ब्राइटर पिंक टोन पे आता है। अगेन आपकी मर्जी कि आपको जो है वो कौन सा कलर लिप एंड चीक पे इस्तेमाल करना है, कौन सा कलर जो है वो आपको यू नो लाइक यू कैन मिक्स एंड मैच, देयर इज नो इशू व्हाटसोएवर। अब आपको दिखाती हूँ मैं अंडर साइड के कलर। ओके, इसका जो क्रीम कॉन्टोर एंड जो क्रीज का जो कलर है, ये दोनों के सेम है। सो आपको मैं फिर भी स्वाच करके दिखा देती हूँ, बट द कलर्स आर द सेम, ठीक है। ये क्रीम कॉन्टोर का शेड है, वही वाला शेड है जो कि आपका मीडियम वार्म टोन में आता है। ये आपका
क्रीज का शेड है, फिर जो चेंज आता है वो आपका आता है लिड का जो एक पिंकी नुमा शेड है उसमें चेंज आता है, और जो फिर चेंज आता है वो आपका आता है हाईलाइट, जो कि ये बड़ा खूबसूरत सा सिल्वरी टोन में आपका ये हाइलाइटर आता है, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स इन एंड इज द फेस पाउडर, जो कि है ये थोड़ा सा येलो टोन में है ये फेस पाउडर। सो हियर यू कैन सी ऑल द स्वाचेस के इसमें जो है आप किस तरीके से अपने आपकी मर्जी कि आप अपने फुल फेस पे करें, आपको सिर्फ अंडर आई पे करना है, आप क्योंकि जाहिर है दिस इज एन ऑन द गो मेकअप पैलेट विच मीन्स दैट यू आर गोइंग टू बी नॉट एक्सपेक्टिंग फुल हैवी कवरेज, सिर्फ हल्का हल्का सा आप टचअप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फुल फेस का मेकअप इसे कर सकते हैं। और अभी इसके बाद मैं आपको ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगी। सो दिस यू कैन मिक्स एंड मैच, आपको कौन सा कलर लिप पे लगाना है, कौन सा कलर चीक पे लगाना है, ये आपका क्रीम कॉन्टोर है, ये आपका क्रीज का कलर है, ये लिड का कलर है, ये हाइलाइटर है और ये आपका फेस पाउडर है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मीडियम वार्म, और मीडियम वार्म में जो डार्कर वाला जो कंसीलर है मुझे अपने लिए पर्सनली लगता है कि जो मेरी हल्के जो डार्क सर्कल्स हैं उसको बड़ी अच्छे तरीके से कंसील करता है। तो सबसे पहले जो है वो मैं डार्कर कंसीलर लेके मैं इसको अपने अंडर आई पे हल्का सा टैपिंग मोशन के साथ लगाऊंगी, और जहाँ पे भी मेरे डार्क स्पॉट्स हैं उसको कंसील करने के लिए। तो जो ये डार्क कंसीलर होता है मुझे लगता है कि मेरी डार्क सर्कल्स जो हैं वो उसको कवर करने के लिए, उसको हल्का सा कलर करेक्शन करने के लिए बड़ा अच्छा रहता है ये। एंड इसी वजह से जो है वो मैं थोड़ा सा ये डार्कर वाला जो कंसीलर है वो मैं अपने फेस पे जो डार्कर स्पॉट्स हैं, जो डार्कर एरियाज हैं, उनको कंसील करने के लिए, उनको कवर करने के लिए मैं ये डार्कर वाला कंसीलर इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन आप ये देख सकेंगे कि इसका जो टोन है वो मेरी स्किन से डेफिनेटली डार्कर है। इस साइड से अगर आप इस साइड को देखेंगे तो ये डार्कर लग रहा होगा, लेकिन डार्कर वाले कंसीलर से आपकी जो पिगमेंटेशन होती है वो बड़ी अच्छी तरीके से छुप जाती है, ठीक है। तो आई प्रिफर टू यूज दिस डार्कर कंसीलर फॉर माई डार्क स्पॉट्स। ओके गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने अभी फेस के ऊपर जो डार्कर वाला कंसीलर है वो मैंने अपने डार्क एरियाज पे लगाया है, हल्का हल्का अंडर आइज पे लगाया है, थोड़ा सा माई लाइन्स पे जो हल्की सी डार्कनेस आती है उस पे मैंने लगाया है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपने लिप्स के अराउंड लगाया है, जो जनरली खवातीन का इशू होता है जहाँ पे हल्की हल्की सी डार्कनेस हो जाती है, तो उस एरिया से मैंने डार्क कंसीलर लगाया है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द लाइटर कंसीलर, जो कि मैं अपने अंडर आइज पे लगाऊंगी, और बाकी जो मुझे एरियाज जिनको हाईलाइट करना है हल्का सा फोरहेड पे, और यू नो जो मुझे एरिया सेंटर ऑफ द फेस पे जो मुझे लाइटर कंसीलर लगाना है वो मैं लाइटर कंसीलर लगाऊंगी। एक जो बड़ा यू नो कॉमन सवाल आ रहा था वो ये था कि ये ऑयली स्किन के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज इस कंसीलर की जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी तो है, लेकिन जब आप इसको लगाएंगे तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। लेकिन प्लीज एक बात याद रहे कि दिस इज स्टिल अ क्रीमी कंसीलर। अगर एक्सेसिव स्वेटिंग होती है और अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस होती है फेस के ऊपर, तो डेफिनेटली ये कोई प्लस्तर नुमा चीज़ नहीं है। इट इज़ गोइंग टू यू नो हल्का सा जो है वो आपकी स्किन उसको अब्जॉर्ब करेगी, तो डेफिनेटली जो है वो आपको फिर टचअप की ज़रूरत पड़ेगी, और या तो ये है कि आपको अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर पाउडर के साथ उसको सेट करना ज़रूरी है, सो दैट देन इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव। बट एक्सेसिव स्वेटिंग में जनरली कुछ भी नहीं टिकता है, और आपका मेकअप जो है वो डेफिनेटली हटता है अगर आप बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग होती है, और बहुत ज़्यादा अगर आप ऑयलीनेस है, अगर आप धूप में हैं, अगर आप आउटडोर घूम रहे हैं, तो उस तरीके से आपका मेकअप रिमूव होगा। तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लाइटर कंसीलर। ओके गाइस,
यू कैन सी कि मैंने अपने अभी फुल फेस के ऊपर जो लाइटर वाला कंसीलर है, जो मुझे एरिया को जो हाईलाइट करना होता है सेंटर ऑफ द फेस, वहां पे मैंने लगाया, अंडर आईज पे, नोज पे, थोड़ा सा जहां मैंने डार्कर वाला कंसीलर लगाया था उसके ऊपर मैंने लाइटर वाला कंसीलर लगाया, अपने स्माइल लाइंस पे, अपर लिप्स पे, चिन एरिया पे, नोज पे, थोड़ा सा फोरहेड पे. तो इस तरीके से जो है वो मेरा जो फेस जो है वो कंसील भी मैंने किया है उसको, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइटर कंसीलर से मैंने उसको थोड़ा सा ब्राइटन भी किया है. ठीक है, अब हम चलते हैं क्रीम कॉन्ट्रोल की तरफ. एंड क्रीम कॉन्ट्रोल में आप देख सकते हैं ये है क्रीम कॉन्ट्रोल का शेड, और क्रीम कॉन्ट्रोल में बहुत कम कलर लेना है बिकॉज इट इज़ अ वेरी पिगमेंटेड कलर. तो अब आप देखेंगे कि ये मैंने एक सिंगल स्वाइप ये किया है और बहुत मैंने यू नो लाइक मामूली सा कलर उठाया था अपनी फिंगर पे, लेकिन ये अच्छा खासा पिगमेंटेड शेड है. तो थोड़ा सा कलर आपको लेके इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना. ओके गाइस, आई हैव डन द कॉन्टोर. आपने देखा मैंने क्रीम कॉन्टोर अपनी जॉलाइन के जॉलाइन पे किया, मैंने अपनी चीक बोन्स के अंडर किया, मैंने हल्का सा नोज पे किया, और मैंने अपने फोरहेड के अराउंड किया बिकॉज आई हैव अ लार्ज फोरहेड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू डूइंग द चीक्स. चीक्स के लिए जो है मैं ये थोड़ा सा जो ये पीछे ऑरेंजी सा कलर है वो मैं अपनी चीक्स पे लगाऊँ. अब मैंने चीक्स पे ये पीछे वाला शेड लगाया, हल्का सा नोज पे लगाया. And now let's move on to the lips. Lips के लिए मैं जो ये थोड़ा सा पिंकर टोन पे जो ये कलर है, मैं ये पिंक वाला कलर अपने लिप्स पर. Okay, my lips are done. Now let's move on to the eyes. Okay, eyes के लिए अब मैं जो ये क्रीज का कलर है, जो ये ब्राउन क्रीज का कलर है, वो मैं उठाऊंगी with my pinky finger. As you can see, ये हल्का सा मैंने ब्राउन शेड अपनी पिंकी फिंगर पे उठाया है, और अब मैं अपना क्रीज का जो एरिया है, क्रीज के एरिया पे मैं अपनी पिंकी फिंगर से जो आउटर वी एरिया होगा, पूरा आउटर वी उसको कवर करूंगी ताकि मैं अपने आईज थोड़ा सा एनहांस करूं. ओके गाइस, अब आप देख रहे होंगे मैंने एक आंख का जो है वो क्रीज का मैंने पूरा शेड लगाया है पिंकी फिंगर के साथ. अब दूसरी आंख के लिए मैं अपनी दूसरी हाथ का जो पिंकी फिंगर है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये शेड उठाऊंगी, थोड़ा सा जो ब्राउन वाला शेड है ये आप देख सकते हैं मैंने पिंकी फिंगर पे उठाया है. एंड देन आई एम गोइंग टू द अदर आई. सो दोनों आंखों की क्रीज हो चुकी है आप देख सकते हैं, और अब हम लगाएंगे लिड का शेड. लिड का शेड यहाँ पे आपको ये पिंक वाला शेड आपको ये नजर आ रहा है. मेरे हिसाब से जो मैंने जिस तरीके से पैलेट को प्लान किया है उसमें जो ये पिंकिश जो शेड है वो लिड के लिए है, लेकिन लिड के लिए आप कोई भी कलर लगा सकते हैं. आप लिड के ऊपर ये वाला जो क्रीज का जो शेड है जो कि ब्राउन शेड है, आप ब्राउन शेड भी लगा सकते हैं. आपको ये हाइलाइटर वाला कलर लगाना है, आप हाइलाइटर का कलर भी लगा सकते हैं. आपको ये पिंक शेड लगाना है, आप पिंक शेड भी लगा सकते हैं. लेकिन मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगी जिस तरीके से मैंने ये प्लान किया था. अब ऑफ कोर्स इट्स अ मिक्स एंड मैच, आपकी मर्जी आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है. देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, इट्स योर पैलेट एंड इट्स यू हु आर द मास्टर ऑफ योर पैलेट. सो आई एम गोइंग टू डू द मैं ये पिंक वाला जो ये कलर है जो कि क्रीज जो कि मैंने लिड का कलर प्लान किया है वो मैं पिंक कलर लेके अपने लिड पे लगाऊं. ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये शेड है जो कि बड़ा नेचुरल शिमरी पिंक सा वेरी क्यूट गर्ली गर्ली टाइप ऑफ अ कलर है ये, जो कि यू नो आप आम यूज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी थोड़ी सी आई को ब्राइटनेस देने के लिए, छोटी आंख को बड़ा दिखाने के लिए. तो ये इस किस्म का जो पिंकिश शिमर होगा ये नॉर्मल डेज के लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको किसी लंच पे जाना है, आपको किसी अपने दोस्तों के साथ जाना है, इवन अगर आपको यू नो लाइक किसी मॉल के लिए निकलना है, आप आराम से जो है ये हल्का हल्का सा पिंक शेड आप जरूर लगा सकते हैं. ओके गाइस, अब मैंने पिंक शेड लगा लिया है अपने लिड के ऊपर,
अब मैं फाइनली अपने पूरे फेस को एक फाइनल लुक दूंगी, एक फाइनल लुक देखूंगी, चेक करूंगी कि अगर मुझे कुछ और ब्लेंडिंग कहीं करनी है, और उसके बाद मैं फेस पाउडर लगाऊंगी। अब मैं सेट करूंगी इसको, जो मैंने एक स्पंज काट कर डाला हुआ है, या फिर आप जो हैं वो इसी पैलेट का जो ब्रश मैंने दिया हुआ है, ये वाला ब्रश, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसका ओरिजिनल ब्रश है। सो यू नो, मैं अभी जो ब्रश है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। गाइस, मैंने अपने फेस पे इस ब्रश के साथ जहाँ पे पाउडर लगाया है, दोज हैव बीन द एरियाज जो कि मेरा ऑयली एरियाज हैं, जैसे कि मैंने अंडर आई को सेट करने के लिए पाउडर लगाया, मैंने हल्का हल्का सा अपना जो ये ऑयली एरियाज होते हैं चीक्स के, यहाँ पे मैंने पाउडर लगाया, नोज पे पाउडर लगाया, थोड़ा सा अपर लिप्स के अराउंड, थोड़ा सा यहाँ माउथ कॉर्नर्स के अराउंड, एंड थोड़ा सा फोरहेड पे पाउडर लगाया, ताकि जो ऑयली एरियाज हैं वो कंट्रोल हो जाएं। पर ओवरऑल मेरा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा मैं मैटिफाई नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट दैट स्लाइट ग्लोई ग्लोई लुक। और अब जो है वो एंड में मैं चलूँगी हाईलाइट। सो दिस इज द हाइलाइटर, ये इसके अंदर जो शेड आता है मीडियम वार्म वाले टोन के अंदर, इसके अंदर शेड जो है ये बड़ा गोल्डन सा शेड आता है, ये मैं इस्तेमाल करूँगी अपने हाई पॉइंट पे, जो मेरी चीक बोन्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा खूबसूरत सा जो है ये इसमें हाइलाइटर आ जाता है। सो आई एम गोइंग टू यूज दैट ऑन ऑल द हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस। So I have highlighted my face, और end में आपको जो extra एक चीज अलग से चाहिए होगी, that is going to be a mascara. So let's finish off with my Bingorama mascara. और यही सेम मस्कारा थोड़ा सा मैं अपने आईब्रोज पे लगा के एंड my Okay guys, so this is my final look. इस palette के साथ मैंने पूरा अपना makeup complete किया है. As you saw, I concealed, I covered, मैंने contour किया, मैंने blush लगाया, lip color लगाया, मैंने highlight किया, मैंने अपने आँखों के ऊपर color लगाया, आँखों को enhance किया, और उसके अलावा मैंने highlight भी किया. So I did the entire look with this one palette, and as I told you before, कि इसके अंदर दो variants हैं, medium warm and fair medium. So this was the entire video of today, जिसके अंदर detailed tutorial जो आप लोगों ने बहुत demand की थी, मेरे go makeup palette की detailed tutorial, वो मैंने आप लोगों को दिखाया, उसकी सारी swatches दिखाई और उसके tutorial भी करके दिखाया. अब आपके ऊपर है, ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप इसको अपने तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं. बट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट अ हीरो एंड नॉट अ जीरो. सो यू नो व्हिच यू हैव टू डू, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकॉन पे दबाना है, आपको कमेंट करना है, आपको शेयर करना है, और आपको जरूर फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. एंड ऑफ कोर्स ऑर्डर के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, विच इज www.blinkbanadiyahusain.com. एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, द प्राइस ऑफ दिस पैलेट 3500 ओनली. सो गाइस, चेक इट आउट ऑन माय वेबसाइट, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, आप लोग बहुत अपना ख्याल कीजिए, एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ नाउ. खुदा हाफिज़, बाय.